राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर इंदौर सेंट्रल जेल में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जेल के बंदियों के साथ सूर्य नमस्कार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। सेंट्रल जेल में आयोजित योग कार्यक्रम के दौरान सभी बंदियों ने एक एक सभी आसन किए। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर सहित जेल परिसर के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। एक्सरसाइज है, आप यहाँ पर सब इसको प्रयोग करिएगा और जिस दिन सफल हो जाएगा तो आपको कार्यालय से एक रुपया इनाम मिलेगा और दोनों दिमाग हमारे जो दिमाग के हिस्से वो सही चलने लगे। ये तो पहली बात। पर उस तनाव से मुक्त होने का उपाय हमारे योग में है। ये उंगलियों के टिप्स है हमारे दिमाग के, ये उंगलियों के टिप्स। तो इस प्रकार से अपनी उंगलियों को इकट्ठा सब मिलाइएगा। योगाभ्यास कार्यक्रम को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जरूरी बताया। आज 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर योग मित्र इंदौर नगर निगम और सेंट्रल जेल ने संयुक्त रूप से सेंट्रल जेल में बंदियों के साथ योग ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिससे वैसे तो नियमित वहां योग होता है लेकिन केंद्रीय जेल में योग दिवस पर युवा दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर उन सबके बीच भी योग के माध्यम से जीवन सुधार का प्रयास शुरू किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर इंदौर सेंट्रल जेल में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जेल के बंदियों के साथ सूर्य नमस्कार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।